जिला छिंदवाड़ा के चौरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामगढ़ में 21 जुलाई को स्थायी समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सुबह मोक्षधाम से वृक्षारोपण किया गया। तत्पश्चात बाजार चौक में शैला नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम को देखने के लिए लगभग हजारों की संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। चारों ओर आभा बिखेरते हुए गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम ने दर्शकों के मन को मोह लिया है। हम आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास का आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। इसलिए गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 21 जुलाई को रामगढ़ में साई समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साई समिति ने 15 दिनों से कार्यक्रम की तैयारी की। गुरु पूर्णिमा के दिन साई समिति ने सुबह के समय साई मंदिर में अभिषेक पूजन हवन किया और उसके बाद शैला नृत्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 शैला नृत्य भजन मंडलों ने भाग लिया। प्रत्येक मंडलों ने अपने नृत्य गान से दर्शकों को आनंद विभोर किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद विवेक बंटी शाहू के पिता नरेंद्र शाहू एवं मुख्य अतिथि राम चौरसिया और विशेष अतिथि बंटी पटेल शैलपुरा निवासी उपस्थित रहे। सांसद पिता नरेंद्र शाहू का रामगढ़ वासियों ने आत्मीय स्वागत किया और सांसद पिता नरेंद्र शाहू ने रामगढ़ के बारे में बताया है कि रामगढ़ का नाम रामगढ़ क्यों पड़ा। जब श्री राम प्रभु सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे थे तब वह रामगढ़ में कुछ समय रुके हुए थे, तब से रामगढ़ का नाम रामगढ़ पड़ा। सांसद पिता नरेंद्र शाहू ने रामगढ़ में राम मंदिर के लिए 1,11,000 रुपए की घोषणा की एवं गौ सेवा के लिए भी आश्वासन दिया है। मुख्य अतिथि श्री राम चौरसिया ने शैला नृत्य मंडलों को इनाम वितरण किया, जिसमें पहला इनाम तुमड़ा, दूसरा इनाम केवलारी एवं तीसरा इनाम कलकोटी और चौथा इनाम रामगढ़ की शैला नृत्य मंडल को दिया गया। शैला नृत्य कार्यक्रम के बाद साई समिति अध्यक्ष और साई समिति सदस्यों द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। सभी दर्शकगणों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया और इसके बाद रात में साई जागरण कार्यक्रम हुआ। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर ने भी पुलिस के द्वारा सहयोग दिया ताकि कार्यक्रम शांति से हो। कार्यक्रम में थाना चौरे से शरद मालवीय, महिला पुलिस रूबीना नीलू एवं ग्राम कोटवार मेर सिंह दाहिया, कमल दाहिया, अशोक धुर्वे कार्यक्रम में शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री राम भाई, नरेंद्र शाहू, संजू पटेल, बंटी पटेल, गणेश गोहर, मिश्रीलाल तिकराम, अशोक पंचेश्वर, गणपत बंजारा, रामगढ़ साई समिति सदस्य, ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। 15 वर्षों से रामगढ़ में साईनाथ सेवा समिति, इसके संचालक गणेश गोहर जी, उनकी साईनाथ समिति की पूरी टीम और आज 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैं श्री राम वेद प्रकाश चौरसिया और हमारे विवेक बंटी साहू जी के पिताजी श्री नरेन साहू जी नरेन दा, वो भी अपना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर यहाँ से अभी उन्होंने 1,11,000 रुपए की घोषणा राम मंदिर के लिए की है और साईनाथ समिति को 2,500 रुपया सेवा के रूप में प्रदान की है और उन्होंने गौ सेवा और गौशाला के लिए भी सहयोग करने के लिए आश्वासन देकर गए हैं। और साथ ही हमारे बंटी पटेल जी शैलपुरा वाले, वो हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं। संजय बलहरा जी हमारे मामा जी, वो भी एक कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं और दादाजी सरकाम तुलवाड़ा वाले दादाजी और यहाँ के समिति के राजेश पटेती जी, जिन्होंने और यहाँ की समिति पूरा सहयोग प्रदान कर इस कार्यक्रम को, अभी आर्केस्ट्रा भी होना है, साईनाथ के भजन होना है, ये कार्यक्रम लगातार बढ़ते जा रहा है और सारे शैला मंडल का कार्यक्रम हुआ। सुबह यात्रा निकली, हवन पूजन काकड़ आरती सभी प्रकार की तीन आरती हुई, पूरे पुलिस बल का सारे लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होता, पूरे रामगढ़ के लोगों का और पूरे क्षेत्रवासी इस कार्यक्रम को बड़ी तन्मयता के साथ में करते हैं। साल भर एक बार से ये कार्यक्रम। एनबीसी न्यूज़ के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।